सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट तेजस Mk1a की तरफ से। एक दो दिन पहले अपडेट आया था कि तेजस Mk1a के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इसराइल की एल्टा 2052 रडार को सिलेक्ट किया जा चुका है और इसके लिए ऑर्डर भी प्लेस किया जा चुका है। अभी अपडेट आया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस Mk1a की 5 एयरफ्रेम्स की फैब्रिकेशन के लिए भी एक टेंडर को निकाला गया है और अभी इसके सारे मेजर सब असेंबल पार्ट जैसे कि फ्रंट, रियर और सेंटर फ्यूजलेग को प्राइवेट कंपनीज के द्वारा बनाया जाने वाला है। अभी इसकी फ्रंट फ्यूजलेग को डायनामिक टेक्नोलॉजी के द्वारा, सेंटर फ्यूजलेग को VM टेक्नोलॉजी के द्वारा, रियर फ्यूजलेग को अल्फा टेक्नोलॉजी के द्वारा और विंग सेक्शन को LNT के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। लेकिन इसकी टेल फिन और रडार सेक्शन को नाल और टाटा एडवांस मटेरियल के द्वारा सप्लाई किया जाने वाला है। इसकी मेन असेंबली को 2020 के जून या फिर जुलाई में शुरू किया जाएगा और 2020 के अंत तक इसकी पहली ग्राउंड टेस्ट को कंडक्ट किया जाने वाला है और 2021 तक इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट Igla-S वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही इंडियन आर्मी की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की टेंडर में रशिया की Igla-S सिस्टम को सिलेक्ट किया गया था और कल से रशिया के साथ इन सिस्टम को खरीदने के लिए नेगोशिएशन प्रक्रिया को भी शुरू किया जाने वाला है। लेकिन इस डील के ऊपर भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से काटसा एक्ट को लागू करने के चांसेस बने रहते हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात को क्लैरिफाई किया गया कि वो भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं और इसे अवॉइड करने के लिए इंडिया और रशिया के बीच लोकल करेंसी में ट्रांजेक्शन करने के लिए बातचीत की जा रही है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफाई किया गया है कि रशिया की तरफ से हमारी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी सपोर्ट किया जा रहा है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ इन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भी रशिया शेयर करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अगले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ा कदम लिया जाने वाला है और अगर ये सफल होता है तो इंडियन एयरफोर्स एक इतिहास रचने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स की एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बायोफ्यूल के साथ टेस्ट किया जाने वाला है। इसमें कम्प्लीटली तो बायोफ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन एविएशन फ्यूल में अभी 10% तक बायोफ्यूल के साथ इसको टेस्ट किया जाने वाला है। इसकी ट्रायल को नवंबर से किया जा रहा है, लेकिन 17 दिसंबर को पहली बार बायोफ्यूल के साथ इसको टेक ऑफ कराया जाएगा। एयरक्राफ्ट रेगुलरली चंडीगढ़ से कारगिल, लेह और श्रीनगर का चक्कर लगाती रहती है, क्योंकि विंटर सीजन में बर्फ गिरने की वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं और हमारे जवानों के पास रेगुलर सप्लाईज को पहुंचाने के लिए उनको एयर ड्रॉप करना पड़ता है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो हमारे सुखोई 30 एमके और Mk-29 जेट्स में भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है और हर दिन हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 100 से ज़्यादा शॉर्टेज करते हैं और हमारे हेलीकॉप्टर्स को 300 से ज़्यादा शॉर्टेज करना पड़ता है। और अगर हम अभी बायोफ्यूल को सही तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम सालाना 40,000 करोड़ तक सेव कर सकते हैं। अगला अपडेट एनर्जी कमांडोज की तरफ से। एक पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से अभी एनर्जी कमांडोज के लिए एक डेडिकेटेड एयर विंग को एस्टेब्लिश करने के लिए सजेशन दिया गया है। एनर्जी हमारी टॉप ऑफ द लाइन काउंटर टेररिस्ट कमांडो यूनिट है, लेकिन अभी तक इसके पास अपनी खुद की एयर विंग मौजूद नहीं है। कांग्रेस के लीडर पी चिदम्बरम जी ने कहा कि एनर्जी के पास पहले 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर मौजूद थे, लेकिन अभी ये दोनों हेलीकॉप्टर ग्राउंडेड हैं और इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इनमें से एक हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट 2002 में हुआ था और दूसरी हेलीकॉप्टर की स्पेयर पार्ट की कमी की वजह से ये ऑपरेशनल नहीं रहा है। तो इसी वजह से अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से होम मिनिस्ट्री को एक नोटिस दिया गया है कि वो जल्द ही इस बात पर विचार करे और एनर्जी कमांडोज के लिए एक डेडिकेटेड एयर विंग को स्थापित किया जाए। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सब जानते हैं कि चाइना धीरे धीरे करके इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है और इसे काउंटर करने के लिए भी इंडिया अपनी कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे करके अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए आर्क्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत काम कर रहा था, लेकिन अभी इंडिया अफ्रीका की तरफ भी नजर दौड़ा रहा है और इंडिया अभी करीब 12 अफ्रीकन नेशन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करने वाला है। इस एक्सरसाइज का नाम इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसे अगले साल 17 मार्च से 27 मार्च तक पुणे में कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज में तांजानिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अभी हमारे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी भी तांजानिया और केन्या के विजिट पर जाने वाले हैं।
इस एक्सरसाइज के अलावा इंडिया अभी बोट्सवाना, इजिप्ट, केनिया, मोजाम्बिक, मोरक्को, नामीबिया, नाइजीरिया, रवांडा, तांजानिया, उगांडा और जाम्बिया जैसे देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर बातचीत कर रहा है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।